अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि हड़पने के आरोपों से घिरे बसपा नेता सुंदरलाल आर्य के खिलाफ सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अपने सगे चाचा की भूमि भी उसने हड़प कर ली। वहीं चाचा गोविंद राम ने न्याय न मिलने पर प्रधानमंत्री के समक्ष प्राण त्यागने की धमकी दी है। इस दौरान सूर्याजाला गांव के निवासी गोविंद राम ने रामनगर में पत्रकारों से अपनी व्यथा सुनाते हुए आरोपी सुंदरलाल पर कई आरोप लगाए। वहीं गोविंद राम की माने तो बसपा नेता से पूरे गांव के लोग त्रस्त हैं। गोविंद राम का कहना है कि सुंदरलाल ने उनके संचायती खाते की भूमि का भू उपयोग बदलवा लिया, जिसे निरस्त करने के बाद उसने उनकी भूमि बेच दी। वहीं अपनी राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर कुछ बोलने पर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कई अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी सुंदरलाल की पहुंच के चलते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सर, मेरा नाम गोविंद राम है। ये सुंदरलाल आर्य जो है, क्या कहते हैं, ये नाम का मतलब मेरे को शर्म लग रही है इसके, मेरा भतीजा है करके। सर, क्या कहते हैं, इसने 2013 से मेरी जिंदगी वीरान कर रखी है। क्या कहते हैं, मतलब जमीन मतलब सारी फर्जी तरीके से इसने बेच दी। क्या कहते हैं, बेच के क्या कहते हैं, अपनी कार घर बनाया इसने, कार खरीदी। और ये हर समय प्रताड़ित करता रहता है। क्या कहते हैं, मैं घर में अकेले रहता हूँ, हर समय मुझे खतरा है, जिंदगी का खतरा है अपना। और जमीन जायदाद इसने सारी मतलब हड़प करके इसने फर्जी तरीके से बेच दी है। दो शादियाँ हैं इसकी। क्या कहते हैं, ये पता नहीं क्या फर्जी काम करता है, ये मेरे समझ में नहीं आती है, करते रहता है ये ऐसा। और आज मैं आप लोगों के चैनल के द्वारा एक वृद्ध आदमी मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुख्यमंत्री जी, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ एक वृद्ध आदमी की, आपने अगर पुकार नहीं सुनी तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। एक वृद्ध आदमी की आपको पुकार सुननी पड़ेगी। क्या कहते हैं, ऐसे अपराधियों से निर्दोषों को बचाना चाहिए। क्या कहते हैं, मैंने हर जगह की DM कार्यालय में किए, SDM साहब ने इसके मतलब 140 निरस्त करा के भी इसने क्या कहते हैं, जमीन को धोखा तरीके से बेच दिया। क्या कहते हैं,